हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो बेसिकली हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे कि स्टॉक मार्केट को जो है वो पढ़ते कैसे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगी। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये मार्केट का ना ओवरव्यू है। यहाँ पर आपको स्टॉक की बिल्कुल समरी वगैरह नज़र आएगी, ठीक है। ये जो है वो आपके यहाँ पर गेनर्स स्टॉकर्स और ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। कितना परसेंट किस स्टॉक में चेंज आया, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सेक्टर वाइज देखना है तो सेक्टर वाइज आपको समरी अगर देखनी है तो देखें, 8 में से 2 डिक्लाइन है और इसमें 16 में से 1 डिक्लाइन है, 14 में से 7 डिक्लाइन है। तो इस तरह ओवरव्यू भी ले सकते हैं कि टर्न ओवर और मार्केट कैप से, वरना आप इनके उसमें जाएंगे तो देखेंगे सारे ही पॉजिटिव रहे, सिर्फ हिनो मोटर पर लिमिटेड एंड साजगार पॉजिटिव रहा है, मिल्लर ट्रैक्टर्स नेगेटिव था और हिनो मोटर्स जो है नेगेटिव था, बाकी सारा जो है वो आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। अब ज़रा हम देख लेते हैं एक कंपनी को हमने पढ़ना कैसे होता है। तो आज हम कंपनी लेते हैं फौजी फूड्स लिमिटेड। फौजी फूड्स लिमिटेड जो है वो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये रफली जो है क्या बोलते हैं, एक छोटा सा ट्रेंड चार्ट नज़र आ रहा होगा जो कि फंडामेंटली होगा। अगर 1 साल में प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो टॉप इसका 11.5 रुपये, 11.40 रुपये तक गया है। 3 साल में भी सबसे हाईएस्ट जो है वो इसका 22 रुपये तक गया है 2022 में। 5 साल में देख लें तो सबसे ज़्यादा वही 2022 का ही जो है वो एवरेज है। ये आपको थोड़ा टेक्निकल हल्का फुल्का यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ से आपको लास्ट डे क्लोजिंग पता चल जाती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। बाकी कौन सी इंडस्ट्री में है, क्या कंपनी है, ये पता चल गया। कंपनी की थोड़ी बहुत प्रोफाइल पता चल गई, कंपनी पे यहाँ से आप चले गए तो यहाँ से आपको ये पता चल गया, इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ से थोड़ी, इनकी इक्विटी शेयर्स कितने मार्केट में घूम रहे हैं आपको ये पता चल गया। उसके बाद जो है यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे मटेरियल इन्फॉर्मेशन है फौजी की तो उसको देख लेते हैं, इसकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग की अनाउंसमेंट है, ठीक है, या फिर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट हैं, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसके मार्जिन है, ये है, ये सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। अगर हम देखें इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो देखें, ये फर्स्ट क्वार्टर 2023 इसका नेगेटिव था, फिर 1 पैसा कमाया इसने, 2 पैसा कमाया और 4 पैसा कमाया अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, यानी इसका बेहतर है। एनुअल पे 2023 के हिसाब से इसने 26 पैसा कमाया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ चुका है, दैट इज़ अ बिग डेवलपमेंट। अब यहाँ से कितना शूट करेगा ये देखना होगा। अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ तो फौजी फूड करता गया, फौजी फूड अपना जो है वो फूड आइटम बेचता है जिसके अंदर आपका इनका नूरपुर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांड है, जो मक्खन और ये दूध वगैरह बेचते हैं ना, ये इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखें, इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग इन्होंने दी है, के ट्रेड इसको करवा रहा था और सी वाई के अंदर इन्होंने Feb 24 को जो है वो ये अपना सेशन करवाया था। तो इस तरीके से आपको नोटिसेस पता चलते हैं। ये कौन नोटिसेस इन्होंने दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि बेसिकली जो है वो अब अपनी अप्रूवल दे दी है उन्होंने फौजी फूड लिमिटेड को कि वो अक्वायर कर लेगा फौजी फाउंडेशन इन फौजी इंफ्रा इन्वेस्ट फौजी फूड्स, इसके अंदर पूरी इक्विटी स्टेक्स ले लेगा और सीरियल बिजनेस जो है वो फौजी फाउंडेशन का वो भी जो है वो ले लेगा फौजी सीरियल करके। तो ये दोनों के अंदर अपनी ये होल्डिंग्स डालने वाला है FFL, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो गुड डेवलपमेंट है। फर्दर जो है ये मर्जर जो है वो क्या लेकर आएगा, आइकॉनिक ब्रांड इन एक्सपेक्टेड टू मेक फौजी फूड लिमिटेड वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स फूड कंपनीज इन पाकिस्तान, जिसमें इसका नूरपुर ब्रांड इसका डेयरी है जो कि लोग पसंद करते हैं और फौजी सीरियल्स ये दोनों जो है वो लोग पसंद करते हैं। तो इसी के बारे में ये नोटिस था तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इनकी रिपोर्ट आई है हाफ ईयरली की, तो आप ये डायरेक्टर रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको इसमें ओवरऑल कंपनी का जो है वो ओवर स्ट्रक्चर बताया गया होता है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर आप देखेंगे इसके कंपनी के पास कैश कितना खड़ा हुआ है, 348 जो है क्या बोलते हैं 348 मिलियन का कैश खड़ा हुआ है आपके पास। आपके पास ये स्टेटमेंट रुपीज़ में है ना, तो रुपीज़ से थाउजेंड, थाउजेंड से मिलियन, 348 मिलियन का कैश खड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इसकी 1.5 1500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हैं इसकी 1.5 बिलियन की। तो यहाँ से ये है, ठीक है, और क्या था इम्पोर्टेंट ना, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी होती है। रेवेन्यू देख लें इसका 5.5 बिलियन का रेवेन्यू है, अदर इनकम इसकी 92 मिलियन आ रही है और इसकी अर्निंग जो है वो बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है 0.04 पैसा। तो अब यहाँ से ये ग्रोथ स्टॉक जो है वो ग्रोथ के चांसेस पे आ जाता है अगर देखा जाए।
अब ये देख लें इसकी एसोसिएटेड किस किस में, पेरेंट कंपनी इसको होल्ड कौन करती है, FFBL इसको होल्ड करती है और FFC इसी के अंडर आती है, फिर फौजी गैस है, ये है अस्करी बैंक है, एम्प्लॉई है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। शेयर होल्डिंग के हिसाब से अब जो है कंपनी की ने अक्वायर किया 100% फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर फूड लिमिटेड, फौजी फाउंडेशन से इन्होंने जो है वो पूरा ले लिया है फेब 2024 में, तो अब ये इसके पास आ चुका है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, फिर आपकी कंसोल अनकंसोल बेसिस पे आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, फूड से इनका कितना आता है और पास्ता से इनका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये इन्होंने बताया हुआ सेगमेंट रिपोर्टिंग में। कस्टमर इनका पास्ता अभी जो है वो उसमें है नहीं, इनका कोई सेल आउट हुई नहीं है, तो अभी तो इनका फूड ही चल रहा है, बट गोइंग इन टू द पास्ता सेगमेंट में भी ये लोग जाएंगे, सो लेट्स सी के ये क्या होता है। फर्दर इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं तो इसके ब्रांड में आ गए हम नूरपुर, जो मैंने आपको बताया इसका दूध है जो कि कम्पीट कर रहा है ऑलपर्स वगैरह के साथ मार्केट में, इसके मक्खन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका आ जाता है क्योंकि आपको पता है डेयरी प्रोजेक्ट्स का बिज़नेस कभी भी नहीं जाता और फौजी का बिज़नेस है, तो बाकी इसका ये दूध है दोस्तिया और ये भी बहुत हॉट सेलिंग है इसकी मार्केटिंग में। बेसिकली ये नेगेटिव इसलिए था कि अपनी ब्रांडिंग कर रहा था, मार्केटिंग एक्सपेंस इसका ज़्यादा था। चलें इसको यहाँ से हम एक नज़र ये भी देख लेते हैं इसका मार्केटिंग एक्सपेंस कितना रहा है। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं 430 मिलियन नेगेटिव में जो है वो रहा है, 430 बिलियन रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग अपनी सारी चीज़ों की कर रहे हैं तो उसमें नया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इतनी नहीं है जितना आपके ऑपरेशंस में जो है वो आपका मार्केटिंग का एक्सपेंस ज़्यादा है। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है एक तरीके से, तो देख लें इसका मतलब ये है कि अपनी ब्रांड बना रहा है वो अभी, और ये सारे एक बात आपको पता है कि फ्लेवर जब लग जाता है तो फिर बंदा जो है वो बोलता है इसी का ही लेना है, ब्रांड वैल्यू बनाना बहुत मुश्किल है। फूड सर्विसेज में ये आपको सारी चीज़ें हैं, ये इनके क्लाइंट्स हैं, ठीक है, दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड कौन है ये, तो आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, तो इस तरीके से बेसिकली कंपनी को जो है वो देखा जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम, बल्कि एक सेकेंड रुके, हाँ यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।